शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे पति के बर्थडे की प्लानिंग कर रही हो तुम? ये केक तुम्हारे हाथ का बना हुआ गौरव के मुंह तक नहीं पहुंचेगा। पानी? डॉक्टर प्लीज अच्छे से चेक कीजिएगा। मैं चेक करती हूँ, बच्चे को कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब उर्वशी प्रेग्नेंट है? आप समझे नहीं, मेरा मतलब है जब ये प्रेग्नेंट है ही नहीं तो खतरा कैसा? पहले तो इसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया ताकि तुम इसके बस में रह सको, एक कठपुतली बनकर, ताकि ये तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके। गौरव प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, इसलिए मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखा। आप हमसे प्यार नहीं करती हैं, क्योंकि अगर तुम हमसे प्यार करती तो हमसे झूठ नहीं बोलती, हमें धोखा नहीं देती, हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं चलाती। तुम हमसे नहीं खुद से प्यार करती हो, अपने आप से प्यार करती हो। और जो दूसरों से प्यार करता है ना वो किसी और के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें जानने में चूक कर दी। हम जा रहे हैं यहां से, हमें यहां नहीं रहना है। गौरव प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। गौरव प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। गौरव गौरव प्लीज गौरव मेरी बात सुनो। हम नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं यहां से। रुको गौरव, तुम नहीं जाओगे, अगर जाएगी तो ये उर्वशी जाएगी, वो भी तुम्हारी जिंदगी से। जिसने इतना गंदा और घटिया खेल खेला है, क्योंकि अगर तुम गए तो जिन जिम्मेदारियों का जिम्मा तुमने लिया है उसे पूरा कौन करेगा? और महेंद्र अंकल से किया गया वादा कैसे निभाओगे? हाँ, अगर यहां से जाएगी तो ये उर्वशी जाएगी। चल, ऐसे लोगों की विदाई श्रृंगार के बिना नहीं की जाती, तू रुक यहां। उर्वशी हमारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मेरी रिंग? हाँ, लाइट वाली रिंग मैं ले लूं। बिना किसी दलील के, बिना किसी बहस के जजमेंट बैठे हैं और अपना फैसला भी सुना दिया। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी कोख में गौरव का ही बच्चा है। लो, अब एक और नई कहानी बनाएगी। कहानी नहीं बना रही हूँ, एक कहानी खत्म कर रही। गौरव जानते हो ना तुम कि प्रिंस मेरा बेटा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी जान है वो, और मैं प्रिंस की कभी भी झूठी कसम नहीं खाऊंगी। दुर्गा माँ, एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम कैसे खा सकती है? कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? बच्चे ये नहीं पहने। मैं अपने बेटे प्रिंस की कसम खा के कहती हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। We'll be right back.
और अगर आप सबको इस बात पर यकीन नहीं है ना, तो डॉक्टर आप एक आखिरी बार मेरा चेकअप फिर से कीजिए। प्रिंस बाहर जाओ। देखिए डॉक्टर, गलतियां सबसे हो सकती हैं। आप मेरा फिर से चेकअप कीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्लीज कम। अब वो आत्मा जो मेरे वश में है, वो मेरे गहने से मेरे अंदर धड़केगी और उसकी धड़कन सुन के डॉक्टर ये बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ओह माय गॉड, मैंने अपने पूरे 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है। ये प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इससे पहले 2 बार चेक किया था डॉक्टर? वही सोच के मैं भी हैरान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो पेट में से धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी और अब सुनाई दे रही है। डॉक्टर आप एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। डॉक्टर शायद इनको ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं सच्ची निकली और ये झूठी। गौरव यकीन नहीं था ना तुम्हें मुझ पे? अब तुम खुद आओ और हमारे बच्चे की धड़कनें सुनो। डॉक्टर, डॉक्टर ने ये क्यों बोला कि उन्हें पहले बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दी? मैं बता दी, ओह गॉड, बड़ी मुश्किल से ये सिचुएशन संभली है। ये टफर कहीं कुछ उल्टा ना करते। रहने दो श्रेया, डॉक्टर ने सच बता दिया है। अब तुम क्या ही बताओगी सबको? नहीं दीदी, सबका सच जानना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूं ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अब बोलिए। ये है सारा सच। पानी? गायत्री जी ने उर्वशी दीदी को ये काढ़ा पिलाया था। और इस काढ़े को पीने के बाद ही उर्वशी दीदी की हालत इतनी खराब हो गई। अब सोचिए जरा, जब उर्वशी दीदी की इतनी तबीयत खराब हुई तो बच्चे की धड़कन डॉक्टर कैसे पकड़ पाती? वो तो शुक्र है कि काढ़े का ज्यादा असर नहीं हुआ, नहीं तो बच्चे की मौत भी हो सकती थी। थैंक गॉड, टफर ने पहली बार कोई काम सही किया है। तुम्हारी हरकतें अजीब ही नहीं, निहायत ही घटिया और गिरी हुई है। तुमसे किसी और की खुशी देखी नहीं जाती है ना?
ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या है? तुमने पहले हमारा घर छीना, फिर हमारी इज्जत छीनी और अब तुम हमारा बच्चा छीनना चाहती हो। परिवार के नाम पर तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है, इसका मतलब तुम सबका परिवार उजाड़ोगी। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हें परिवार का सुख कभी नहीं मिलेगा। हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारी बेटी के साथ तुम इज्जत से बात क्या करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घर से बाहर जाना पड़े। शायद अब यही बेहतर रहेगा। गौरव सही कह रहा है, इस घर में या तो हम रहेंगे या गायत्री। हम गौरव को इस घर से नहीं जाने दे सकते। ये जरूर उर्वशी की कोई चाल होगी गौरव को दूर लेकर जाने की। हम उसकी जान को खतरा नहीं होने दे सकते। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आप लोग रहिए यहाँ, लेकिन जो इस घर से जाएगा वो मैं हूं। गायत्री, आप रेस्ट कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बाकी जो हुआ उसके बारे में बाद में बात की जा सकती है। बस इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि हमारे पारिवारिक मामले में आप दखल मत दीजिए। एहसान कर रहे हो मुझे यहाँ रोककर। हम ठीक हैं और आगे ठीक यही रहेगा कि मैं अपने फैसले पर टिकी रहूं। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। गायत्री बेटा, संभाल कर, ठीक हो ना? हम ठीक है, लेकिन उर्वशी ने ऐसा पहिया घुमाया कि टेंशन की वजह से हमें चक्कर आ गए। हमारी समझ में ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। कुछ मिनटों पहले तो डॉक्टर ने कहा कि उर्वशी प्रेग्नेंट नहीं है, और उसके बाद अचानक से कह दिया कि हाँ उर्वशी प्रेग्नेंट है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था वहाँ। उसके पास कोई यंत्र है जिसका इस्तेमाल उसने अपने तंत्र में किया होगा, पर क्या हो सकता है वो यंत्र? हाँ, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा में सब दिख जाएगा कि उसने वहां क्या किया। हम अभी देखते हैं, रुको। कुछ मिला दुर्गा माँ? दुर्गा माँ, हम गायत्री बेटा संभाल कर, तुम आराम करो अभी, बाकी सब बाद में देखते हैं, ठीक है? नहीं दुर्गा माँ, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें जो कुछ भी करना होगा वो समय के अंदर ही करना होगा। तो अब बस महादेव ही हमें कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। गायत्री रुको, उर्वशी हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर सकती हूं, तो क्या अपनी लड़ाई तुमसे नहीं जीत सकती गायत्री? उर्वशी जीत कैसे सकती है?
डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और फिर अचानक डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है? खैर जो भी है, हम इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। मेरे तंत्रों मंत्रों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है गायत्री। थैंक यू लाचार आत्मा, सही वक्त पे मेरी हेल्प करने के लिए। उर्वशी, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। जज बनने से पहले वकालत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम कुछ साबित नहीं कर सकते, तब फैसला नहीं सुना सकते। साबित भी करूंगी और सजा भी दिलवाऊंगी। मुझसे जीतने की गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम जैसों को मैं अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। और जब जूती घिस जाती है ना, तो उसमें लगी कील इतनी चुभती है ना कि पूछो मत। अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। आपने हमें हमेशा रास्ता दिखाया है, अब मंजिल के इतने करीब पहुंच गए, अब हमसे मुंह मोड़ लेंगे। महादेव, आप अंत तक हमारा साथ नहीं देंगे? आप तो जानते हैं, हमें ये घर धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने गौरव का साथ। लेकिन अभी हमें इस घर से जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस घर से चले गए तो गौरव को उर्वशी के वशीकरण से कभी मुक्त नहीं करवा पाएंगे। कोई रास्ता दिखाओ हमें, कोई रास्ता दिखाओ महादेव। दीदी, थैंक यू। आप ठीक नहीं है घना दीदी, आप प्रेस करो। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मुझसे नाराज हो? आप मुझे पहला जैसा प्यार नहीं करती? कहा ना तुमसे हमने, हम तुम्हारी गहना दीदी नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आता। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊं? नहीं। तो तुम्हें बलून या केक ला दूं? नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बताओ, मैं वो ला कर दूंगी। मुझे मम्मा की लाइट वाली रिंग चाहिए। रिंग? कैसी रिंग बेटा? पर क्या बेटा?
मम्मी ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रॉमिस किया था, फिर वो ले ली रिंग। कहीं ये रिंग ही तो वो यंत्र नहीं है। दुर्गा माँ, प्रिंस झूठ बोल ही नहीं सकता। फिर तो ये वही यंत्र है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक वो रिंग नहीं थी, डॉक्टर के लिए उर्वशी प्रेग्नेंट नहीं थी। प्रिंस से रिंग लेने के बाद जब उसने डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाया तो वो प्रेग्नेंट निकली। हो ना हो, उसी रिंग में आत्मा कैद है। अगर ऐसा है तो उर्वशी की उस रिंग से आत्मा बाहर आएगी, और उसके साथ साथ मेरा गौरव भी उर्वशी के वशीकरण से बाहर आएगा। प्रिंस को वो रिंग चाहिए जो उर्वशी पहनती है। ठीक है, तो रिंग लेकर आते हैं। भाषा में समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे पति से दूर रहो। पहले मेरे पति को चुराने की कोशिश की तुमने, और अब इस रिंग को मैं तुम्हें। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।